शादी के बाद आकर पता तो लिया नहीं। वैसे तो बाप की लाडली बनती है। तू तो है बाप की लाडली, हमने तो तुझे कहीं आज तक पीहर जाते ना देखा, यही मेरी छाती पर मूंग दलती रहे। अब इस उम्र में पीहर जाना जरूरी नहीं है, वो तो मेरा बेटा नालायक है, वरना तलाक दिलवा कर दूसरा निकाह करवा देती अपने बेटे का। कर ले तू इनका निकाह, इनका क्या तू अपना भी कर ले, घर में तो खाने को नहीं है, दूसरा निकाह कर लूंगी। ज्यादा बात ना करिए वरना मुंह में चिमटा दे दूंगी। कभी ना देवा इम्टा चिम्टा, मुझे छोटे खानदान की मत समझिए, तेरे से बड़ा है मेरा खानदान। मका कुछ करवा के मानेगी? हाँ करवाने के लिए तो बोल रही हूँ। बोल क्या करवाएगी? अम्मी तुम मसाला पीस लो, मैं सब्जी काट लेती हूँ। बेटा पहले ही बोल देती, इतनी देर से क्या लड़ाई की रिहर्सल कर रही थी, इतनी देर में तो काम हो जाता। अम्मी तुम कितनी अच्छी हो, मुझे तुम्हारे प्यार के सामने अपनी माँ की भी याद नहीं आई। बेटा री तेरे आने के बाद मैंने भी अपने पीहर जाना बंद कर दिया है। अम्मी मैं खाना पका लेती हूँ वरना तो शेख जी लड़ेंगे। मैं भी लड़ूंगा, मैं तुम दोनों तरह पागल हूँ। अगर कुछ खाने को हो तो हाथ मुंह धो लूं। खाना बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, तू क्या कहीं जा रहा है, चुपचाप पड़ा रहे। ये क्या मतलब? अम्मी का मतलब ये है जब काम नहीं तो खाना भी नहीं। काम की सुन ले अम्मी, काम दूसरे गांव में है, मगर एक बात सुन ले, 6 महीने तक आने नहीं देगा वो। ठीक है बेटा, मैं भी 6 महीने के लिए रुखसाना को लेकर तेरे मामू के यहाँ चले जाऊंगी रहने के लिए। अम्मी मैं अपने अब्बू के यहाँ भी जाऊंगी, दोनों चलेंगे। ठीक है अम्मी, ऐसा करो तुम दोनों साल 6 महीने के घूम लो रिश्तेदारी में, मैं इतना कुछ कमा के लिए आता हूँ, किसी का कर्ज पानी भी उतार देंगे, कुछ पैसे भी जुड़ जाएंगे, क्यों अम्मी? ये ठीक है शेख जी, फिर हम अपना घर भी बना लेंगे। ठीक है तो तुम्हारा कुछ खाओ पकाओ, मैं तो रास्ते में खा लूंगा कुछ। हाँ तुम बनाओ और सटको। देखा रुखसाना, अम्मी अब मेरा शेख समझदार हो गया है, अब कमाने की सोचने लगा है। क्या रही हो अम्मी? चलो अम्मी मैं खाना पका लेती हूँ। बैठा तो आसान। लाला जी अब बताओ क्या दोगे? सुन भाई सुन, फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, तनखा ले ले 1000 रुपए फालतू, घर जाएगा 8-7 महीने में। मुझे ऐसा लोग करनी चाहिए जो हर महीने अपने घर जावे। ठीक है मैं 1 साल में जाया करूँगा, अब बोलो क्या दोगे? सुन भाई खाना पीना खा पी ले, दुकान है तेरी, तनखा दूंगा 13,000 रुपए महीना। चलो पूरा कर लो, अब पूरे ठीक होते लाला जी। ना भाई ना, पूरे किसी के ना होए, ना तेरे ना मेरे। हाँ या ना बोल, जो देना सही है जुड़ तो जाएंगे पैसे। हाँ कर लेता हूँ बेटा। ठीक है लाला जी काम बोलो। ठीक है भाई, काम बहुत है दुकान में, बैठना नहीं है, गिरा को सामान देना है, चल अंदर। ठीक है आधे अंदर बेटा, आप तो काम वाले बन गए हो, दुकान के मालिक। सफारी पाँच रुपए ठीक है, ये लो 5 सफारी। लाला जी खुले हैं? नहीं है। सामान लेना 100 रुपए लाया सांड। सो गई था। कैसे करूं? बाद में ले लीजिए। खुला नहीं है, जल्दी कर। लाला जी, समझ गया। बहुत बढ़िया लोग कर रहे थे, करवा दूंगा तेरा काम। ये बैठूंगा आराम से। अबे बैठ क्यों रहा है? सफाई वफाई कर ले। सफाई में दे दे आग। मैं तो काम ये है कि ग्राहकों को सामान दे रहा, तेरा कोई ग्राहक आएगा सामान दे दूंगा। अम्मी सो रही? हाँ, हो बेटा मैं तो ऐसे ही लेटी हुई थी बेटा। अम्मी तुमने शेख जी से ये क्यों कहा कि हम 6 महीने मामू के यहाँ रह आएंगे? और तूने ये क्यों कहा कि मैं पीहर चली जाऊंगी? बोल। मैंने तो आपकी हाँ में हाँ मिलाई थी। अरे मैंने तो इसलिए बोला था हाँ। कि हम यहाँ रहेंगे तो वो हर महीने आता फिरेगा हाँ। और अगर साल 6 महीने में आएगा तो कुछ पैसे जुड़ जाएंगे। ठीक है अम्मी जैसे आपकी मर्जी, आपने देखे मालिक की दुकान, वही मिल आया करेंगे। नहीं बेटा मैंने तो नहीं देखी दुकान। ठीक है अम्मी आप लेट जाओ, मैं खाना पका लेती हूँ। हाँ चल पका ले। अबे शेख चिल्ली बादाम खाना?
सांड बादाम खा रहा है, मूंगफली है, ठीक है क्या? एक चिल्ली ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। चल एक किलो दाल ला भाई साहब के लिए। एक किलो दाल देनी है मुझे। दादाजी ये लो तो लो, और क्या लाऊं? चावल ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। नौकर बहुत बढ़िया, पूरा ला एक किलो। ये तो चावल भी है, ये तो पुराना अभ्यास है करने का, हाली पूरी तोलता हूँ मैं। बेटे ये मैं पन्नी भी हल्की कर रखी है, ये लो बेसन भी है भाई, ये लो तो लो। बेसन बेसन खत्म हो रहा सर, झूठ बोल रहा घर वाला। मैं जीरा भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है, है साबुन भी नहीं है, सब्जी मंगा लो, अब तो दूध भी नहीं है। चल ठीक है, 100 रुपए। शेख चिल्ली। हाँ लाला जी। मैं जा रहा हूँ घर, तू दुकान संभाल और बंद करके ऊपर लेट जाइयो। ठीक है ठीक है ठीक है, निकल ले बादाम छुपा रखे, बादाम मलि से काम चला लूंगा, कोई बात नहीं है दाल। अरे अभी बंद कर लो, बाद में करना बंद। ठीक है बल्ब जला के सोऊंगा, जाले उजाले में सोऊंगा, मैं अंधेरे में किस हूँ। ये काम करता हूँ, लाला के यहाँ नौकरी करता रहूंगा, पूरे 6 महीने से पहले जाऊँ नहीं, अम्मी भी खुश हो जाएगी, रुखसाना भी, किसी के 4 पैसे तार भी दूंगा, घर सारे पैसे हो जाएंगे, घर भी बनाऊंगा, फिर बच्चे भी हो जाएंगे, उनके लिए भी तो कुछ करना है मुझे। बेटे की जगह रुख सो जाता हूँ, ये सही रहेगा बिल्कुल, अम्मी भी खुश, रुखसाना भी खुश, ठीक है। दादा कैसे 1 साल में जाना पूरा, इससे जाओ निकम, अब सो जाता हूँ। अबे मुश्किल से बादाम का डिब्बा मिला, लुपको कर रख रखा सांड ने, अबे आ गया आलू। अबे शेख चिल्ली, अबे बादाम खा रहा? यस 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 यस। अबे साले इंग्लिश बोल रहा है? एक काम कर, चुल्ली लाल लाला से एक बोरी धनिया लिया जाकर। ठीक है लाता हूँ मैं, ये तो जेब में तो बादाम है ही, और खाने में रस्ते में, इसे तो काम में बिजी रखना पड़ेगा, और नहीं तो साला बादाम खा लोगा ही। तो अरे शेख चिल्ली। हाँ भाई। तू यहाँ घूम रहा? हाँ घूमना क्या, मैं तो लाला की नौकरी कर रहा हूँ। खा बादाम रहा, और लाला का नौकर बतला रहा? मैं तो धनिया की बोरी लेने जा रहा हूँ। बादाम खाता खाता तेरी मौज है भाई, मेहनत ना करता हूँ भाई। मेहनत तो हम भी करें भाई खेतों में, हमें तो बादाम ना मिलते भाई, खा ले भाई मौज है तेरे। दूसरा को देख के जलने वाले, ले तू भी खा, तू भी खा। हाँ भाला कभी डाला सी कह दे जा। ऐसी नौकरी तो मुझे भी करनी चाहिए, मिलता हूँ लाला से। लाला जी राम राम। राम 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 राम। लाला जी आपको दुकान पर नौकर चाहिए तो मुझे रख लो भाई, हमारी दुकान पे 6 महीने से शेख चिल्ली रह रहा, कहीं और पूछ ले भाई। अच्छा तो शेख चिल्ली तुम्हारी दुकान पे है? बादाम खाता जा रहा था साला, जेब भर रही थी, 4 मुझे भी दिए, मैंने भी खाए। क्या जेब भर रही थी? साला चोरी से खाता है, अबे आने दे मारूंगा साले को। तुम शेख चिल्ली को कितने पैसे देते हो? 13,500 रुपए। मुझे 12,500 दे दियो, शेख चिल्ली का हिसाब कर दूंगा। तो मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं? बिल्कुल पक्की, पर बादाम नहीं खाने दूंगा। हाँ जा ठीक है भाई, राम राम। बेटा जब बादाम खाओ तो कितना वजन हो, मुझे क्या। तुझे दिखता नहीं है मुल्ला जी? तुझे देख नहीं रहा? अकल अकल खराब है, अकल की खोल लो, तुझे देखना चाहिए। बिल्कुल कैसे कैसे कर रही है, अकड़ सकड़ कर रही है। जा चला जा चीजें।
जा जा निकल जा निकल जा साली का बक्कल तार दूंगा। वह साली ने मुझे डाले चोट लग जाती। अरे मेरे बादाम खाने से जलते हैं लोग। ओए ओए लाला कैसे नोट से फेंक दिया। अंदर रख दे। फेंक चिल्ली। पैसे ले अपने। क्या? वाह लाला जी मैं बिल्कुल लेने वाला। मैं तो पूरे एक साल में लूंगा। नहीं नहीं भाई पैसे ले अपने। नहीं नहीं मैंने नहीं परोक रखो। नहीं नहीं ले ले भाई। तो परोक रखो ही ना। अबे ले ले अपने पैसे ले ले। अबे यार मेरा वाह लाला जी मुझे नहीं चाहिए मैं एक साल में लूंगा। लाला जी हाँ जी रुपए की दाल देना। ठीक है मैं 10 रुपए दाल देता हूँ बाद में लूंगा। ये पर रखो ये लो 10 रुपए की दाल। अबे भाई मुझे तो आज भी देने कल भी देने। अबू आ गई बेटा यही दाल। सेठ चिल्ली को पैसे दे रहा इतने सारे। सेक चिल्ली कह रहा मैं नहीं ले रहा। लाला कह रहा ले जा। सेक चिल्ली कह रहा मैं नहीं ले रहा। लाला कह रहा ले जा। सेक चिल्ली कह रहा मैं नहीं ले रहा। सच बात है बिल्कुल सच सच अब्बू। हाँ अच्छा अभी बांधता हूँ इलाज ले एक मिनट रुक। हाँ अब्बू पन्नी का मुंह खोल। ठीक है ये यू मैंने 1 रुपया डाल दिया इसमें और लाला के मुंह पे फेंक के मारिए साले का समझा कर। अबू समझ गई तुम्हारी ही बेटी। जा ला बुर्गा फंसा के अब कटेगी सही रात। अबे लाला जी मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला पैसे ये मैंने बोरी में रख दी। शेख चिल्ली ये तेरे पैसे मैंने पन्नी में भर दिए ले भाई इन्हें ले। लाला जी एक बात सुनो मुझे तुम जैसा दोस्त ईमानदार कोई मिलेगा। लाला जी ने तुम रखो मैं बाद में लेने वाला 6 महीने में जाऊंगा। अपना हिसाब अपने दो रख। लाला जी मुझे क्यों कर रहे तुम रख लो। ओए लाला पकड़ अपनी दाल करीब बेसक है ईमान नहीं बेचते 1 रुपया गेर के तू हमें अजमा रहा था। क्या हुआ कैसे लाल पीली हो रही है दाल पसंद नहीं आई क्या इमरान को। पसंद की बात नहीं है मेरे अब्बू ने दाल में 1 रुपया देखा बहुत गुस्सा करा मुझे भी डांटा कि तू दाल कैसे लेके आई। 1 रुपया में इतनी लड़ाई। लड़ाई की बात नहीं है तुमने हमें समझ के रखा है। लोग बाग हमारे घर में कुछ भी रख जाते हैं मजा ले जो हमारे अब्बू छू जाए अल्लाह वाले हैं हमारे अब्बू। हाँ ले 1 रुपया हमने अपने निकाल लिया ले अपनी दाल लेकर जा। तुमने हमारे ईमान को अजमाया हमें नहीं चाहिए दाल हमारे 10 रुपए दे दो। ये तो बहुत ईमानदार लोग हैं 1 रुपए को भी नहीं रखा। क्यों ना अपने पैसे इनके घर रख दूं जब जाऊंगा 6 महीने में ले जाऊंगा लाला की जिम्मेदारी भी खत्म। अबे शेख चिल्ली क्या सोच रहा लाला जी इनके 10 रुपए भी दे दो और ये पैसे मुझे दे दो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। और तुम्हारा 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 घर कहाँ क्यों मुझे तुम्हारे अब्बू से मिलना। चलो तो मेरे घर चलो। ठीक है लाला जी तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म मैं भी आ रहा हूँ। चलो 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 अब्बू शेख चिल्ली है जो लाला के यहाँ काम करता है। ये ठीक आदमी मिल गया ईमानदार उसने तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाया करा जहाँ रख जा पहुँच ले जो शेख चिल्ली अब सही काम हो गया भाई। और तो हर भाई ने लाला से पैसे लिया करूँगा इसके तौर रख जाया करूँगा जब घर जाऊँगा तो सारे ले जाऊँगा रुखसाना भी खुश मम्मी भी खुश ये तो ये सही है। अब तो लाला कह रखे हैं मैं पैसे ये ठीक है भाई। चल भाई खड़ा भाई मुझे अपना काम करना है। भाई ये काम मेरा है। भाई अब तू बाहर जा ये काम मेरा है। लाला जी हाँ भाई हाँ मुझे नहीं रखना क्या। अबे जब तुझसे मंदा मुझे नौकर मिल गया मेरे बाप ने भांग खाई तुझे रखूं बादाम खाने को।
ओ तो ये बात है, ये तो मुझे पहले बतला देते, मैं तो अपने घर चला जाता पैसे लेके। मैंने तेरा हिसाब इसीलिए तो करा था। ठीक है, नहीं रखना, मैं तो अपने घर पैसे लेके। तू काम कर। अम्मी ये आपके हाथ में क्या हो गया? ये जल गया था जब मैं छोटी सी थी। देख लो अम्मी, पूरे 6 महीने हो गए, अब तक उन्होंने आकर नहीं देखा शेख जी ने। है तो अपने बाप की औलाद, जो कहकर गया है वही करेगा। 6 महीने की बोल के गया है तो 6 महीने में ही आएगा। उसका ये भी तो नहीं पता कहाँ काम कर रहा है। तुझे पता है कहाँ काम कर रहा है? अगर मुझे पता होता तो अब तक मैं उनसे 100 बार ना मिली आती। चल ठीक है, ऐसा कर तू कुछ बना ले। ठीक है अम्मी। आ जाएगा। ठीक है। मुल्ला जी बड़ी जल्दी आ गए। वो करना क्या, वो मुझे नौकरी से निकाले लाला ना, मुझे मेरे पैसे दे दो। मुल्ला जी जहाँ आपने रखे थे अपने आप ले लो। अरे मुल्ला जी कैसा है? अब्बू मुल्ला जी पैसे लेने आए अपने। अच्छा तुम्हारे घर में से पैसे लेना आया? यहाँ से ले जाओगे टकसाल। भाईजान तुम्हारे पैसे घर में मिले ही नहीं। ना मिले तो हमने तो छेड़े नहीं, ना हमने खाए, हम ठहरे ईमानदार। तुम कैसे ईमानदार? तुम तो बहुत बड़े बेईमान हो, तुम्हारे घर में तो पैसे कहाँ चले गए? ओए बेईमान कहने से पहले होश में बोलिए, रपेटे इतने मारुआ, 1 मिनट से पहले यहाँ से बाहर निकल जा, कभी अभी पैसे मिले। तुम्हें बेईमान मिले गा? तुम्हारे घर में से पैसे कहाँ चले गए? तुम बेईमान नहीं कर रहे? अभी 1 मिनट में पुलिस को बुला लूंगा 100 नंबर पे कॉल करके। चुपचाप निकल जा, हमारे जैसे ईमानदार पे तू लच्छन लगा रहा। कितने ईमानदार है हमारे रुतबे ईमानदारी के पूरे हिंदुस्तान में। आया अब्बू, पैसा तो ऐसी चीज है अब्बू जो अच्छे अच्छों की नीयत डिगा देता है। क्यों अब्बू? ठीक कह रही है बेटा, बिल्कुल ठीक कही। ऐसा मूर्ख तो मैंने पहली बार देखा अब्बू, जो अपने घर पैसे रखने की जगह हमारे घर रख के जा रहा है। पैसे लेके जाओगे मेरे से? पैसे तो पहुंच के गोरखपुर। नाम बदला इलियास चरिया मेरा नाम। मैं साले मैं भी समझ गया इलियास चरिया यार, मेरे पैसे चल गया साले मेरे पैसे। अब अगर हम घर कह जाओ क्या रंट पड़ेगा? मैं घर चलता हूँ तो मैं लूट पीट गया साले, मैं तो 6 महीने का था लिखने को गए। मम्मी को ये पैसा नहीं ले जाओ, मम्मी मारेगी मुझे। मैं बात ना बेटा सेखू आ गया, क्या बात हो गई? अरे ऐसा उदास सा क्यों है शेख जी? इतने दिनों में आयो ना अम्मी से दुआ ना सलाम और ना मुझे देखा, क्या बात हो गई? हाय बेटा रो मत रो मत, क्या हुआ? अम्मी एक मुल्ला ने मेरे साथ धोखा किया।
बात है तो मैंने भी उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी नहीं। जा तू रोटी खा ले जा। रुखसाना इधर कान लाइयो। ठीक है अम्मी मैं तैयार हूँ चलो। तो हो जाए चलो। ठीक है क्या नाम है बेटा उसका? उसका नाम उसे कहते हैं इलियास चरिया। उसकी लड़की का नाम नफीसा और फरीदनगर कस्बे में रहता अंसारी वाले मोहल्ले में। मगर अम्मी तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं तू अंदर जा जा जाओ शेख जी। ठीक है चलो अम्मी। भाई साहब इलियास चिलिया का घर कहाँ पर है? मुझे ना पता आगे पूछ लो। ठीक है जी चलो। भाईजान। हाँ जी। इलियास चिलिया का घर कौन सा है? ये रे ये भाईजान इलियास चिलिया आप ही हो? अजी मैं ही हूँ इलियास चिलिया। कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अजी कहना क्या आपके पड़ोस में कोई डांस का प्रोग्राम है शादीवादी का? किसी ने कहा था इलियास चिलिया से पूछ लेना। अच्छा वो शादी तो कब की होगी? पर एक बात तो बताओ डांस का प्रोग्राम करती हो क्या? अजी लड़की नाचती है मैं तो दलाल हूँ बीच में। अच्छा एक बात बताओ मेरे घर भी नाच दोगी क्या? जो कहोगी वो ही दे दूंगा और भी सोच लो कुछ। जो कहोगी वो ही दे दूंगा। जैसा कहोगे वैसा करूंगी। प्रोग्राम कब है? कल ही रख लो। जो कहोगी वही दे दूंगा। पैसों का कोई मेरे पास तोड़ा है ही नहीं इलियास चारिया के पास। और एक बार मिलवाना भी। अच्छी सेल्फी पाल रखी तो दे एडवांस। पैसों की तो कोई कमी ही नहीं इलियास चरिया के पास। ये पकड़ो एडवांस। और ये सामने वाला घर है मेरा कहो तो अभी दिखा दूं। नहीं 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 कल आ जाएंगे। कोई बात नहीं ठीक है चलो। अरे डांस कब शुरू होगा? डांस भी शुरू हो ही जाएगा शाम भी होगी है। एडवांस मैंने दे ही रखा है आती होंगी वे बस। अरे यू शेख चिल्ली कैसा आया? अपू डांस देखने आया होगा देखने दो। चल ठीक है कोई बात नहीं। सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया।
लाख के जेवर पहन के इंतकाल में और ये हीरो के कंगन पहन के कैसे जाऊंगी? कैसे जाऊं? अल्लाह यहाँ कौन है? किस पे विश्वास करूं? या मेरे मौला? यार अगर मैंने शेख चिल्ली के पैसे वापस ना दिए और इसने सबके सामने यूं कह दी कि शेख ने मेरे पैसे रख लिए, तो ये जो 5 लाख के गहने पहन रही है ये तो मेरे पास नहीं रखेगी। ऐसा करता हूं, ईमानदारी दिखाता हूं, शेख चिल्ली के पैसे वापस कर देता हूं। ले वैसे एक चिल्ली, अपने पूरे पैसे गिन ले। मेरे पैसे बहुत, मेरी मेहनत की कमाई है। बोला जी मेरी मेहनत की कमाई है। कमाल का आदमी है तू, भी भेड़ का फुप्पा ही है, रखे कहीं है ढूंढे कहीं है, हैं? इलियास चरिया को ऐसी मान रहा होता क्या शेख जी? मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक है, अब डांस नहीं रुकेगा। इसलिए नाची, मुझे तो पैसे मिलेंगे पैसे। और शेख चिल्ली तू क्यों नाचा? मैं यूं नाच रहा हूँ, मुझे 6 महीने की कमाई कोई कुआई मिल गई, अब मुझे तो खुशी में नाच रहा हूँ। और इलियास चिरिया तुम क्यों नाचे? भाई मेरी भी बात सुनो। सुनाओ। अजी मेरी ना पूछो, जो पैसे मुझे इसे देने थे वो तो शेख चिल्ली के थे, मैंने शेख चिल्ली को दे दिए। अब तो यू मेरा डांस देखो और मैं इसका डांस देखूं। हराम जादे, हम कोई नाचने वाली नहीं है, ये तो तुझे सबक सिखाने के लिए हमने चाल चली थी, वरना तो मेरे बेटे शेख चिल्ली के पैसे देता। ठीक है तो फिर मिलेंगे।